हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सलमा। हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। हम लोग भी ठीक है। और आप लोग के वहाँ कैसे मौसम कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है आज, थोड़ा सा मतलब थोड़ा धूप भी दे रहा है थोड़ा। मतलब कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो इतना गर्मी नहीं लग रही है। और मैं हमारे बागान जो है वो आपको आज दिखाऊंगी क्या क्या है हमारे बगीचे में। वैसे मुझे आज आम खाने का बहुत मन था, तो चलिए देखते हैं। कल तो बहुत ही बारिश हुआ था ना, बारिश के साथ मतलब तेज़ हवा भी चला था, तो शायद सारे आम गिर गए होंगे। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ हमारे आम के बागान। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे आम के बागान की तरफ। ये हमारा यहाँ पर एक बेल का पेड़ है। बहुत सारे बेल मतलब हुआ था इस साल, हम बहुत शरबत बनाकर खाए और गिरा भी है। ये पका हुआ बेल देखिए कितना सारा है। ये एक हमारे एक चाचा लोगों ने बोला था कि मेरे लिए थोड़ा बेल रखना, वो भी खाएंगे, इसलिए उनके लिए यहाँ पर हम रखे हैं। और ये रहा नीम का पेड़। हम लोग तो इस साल नीम का साग भी बहुत सारे खाए थे। और ये मुर्गियाँ सब यहाँ पर खा रहे हैं, चारा खुद से ही ढूंढ रहे हैं। और ये रहा हमारा नींबू के पेड़। किस किस को नींबू चाहिए बताना कमेंट पर, हम भेज देंगे आपके एड्रेस पे। ये देखिए कितना सारा फल आया है। और नीम का भाव तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। हम एक दिन पूछ रहे थे कि एक नींबू 10 रुपया करके ले रहे हैं। ये मतलब खाने लायक हुआ नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा साइज का है, लेकिन कोई बात नहीं, जब अगर मेहमान वगैरह आएंगे तो शरबत बनाने के लिए हो जाएगा। और ये है हमारा पुराना कुआं। पानी यहाँ का हम नहीं पीते हैं, यहाँ पर मछली वगैरह है, मछली, मेंढक और एक कछुआ भी है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है शायद। इस वो रहा, किस किस को कच्चा आम पसंद है। मैं तो आज पूरे कच्चा आम खाऊंगी, इसलिए पूरा आम का बागान आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये बड़ा नहीं हुआ है, जब पक जाएगा। हमारे पेड़ का आम बहुत ही मीठा होता है, जब पक जाएगा तो आप लोगों भी आ जाना आम खाने के लिए। इस पेड़ में थोड़ा बड़े बड़े आम हुए हैं, पक जाएंगे और एक महीना लगेगा आम पकने के लिए। इसमें बहुत छोटा छोटा आम आया है। वाह, वहाँ पर एक लाल चिट्टिया ने घर बनाए हैं। ये रहा, कहाँ है फल? हाँ, इस पेड़ में भी आया हुआ है। कौन सा पेड़ का फल मीठा लगता था तो मैं पूछती हूँ मेरी माँ को। देखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला फल लेंगे हम, बड़ा वाला आम खाएंगे, मज़ा आएगा आज तो आम खाकर। यहाँ थोड़ा बड़ा था, देखिए कितना बड़ा है। आपको शायद पता चल रहा होगा कितना बड़ा है, मेरे हाथ के हाथ में भी नहीं आ रहा है। ये आम कौन सा लूँ, ये वाला लूँ? ये थोड़ा छोटा है,
ये नारियल लेकर आए हो ना मेरे लिए, तो मैं खा रही हूँ। यहाँ पर पेड़ के नीचे बहुत ही आराम लग रही है। मतलब इतना आराम कि वो जो एसी या फैन हो उसका उससे भी ज़्यादा आराम लग रही है। पूरा नेचुरल हवा चल रही है ना। ये देखिए कब से वो यहाँ आकर खड़े हुए हैं मुझे पता ही नहीं है, पता भी नहीं चल रहे है। थोड़ा ग्रीन ग्रीन ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए है ना, पता भी नहीं चल रहा है कि कौन यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं तो डर ही गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? मुझे आम खाने का बहुत मन था इसलिए मैं आई हूँ आम लेने के लिए। तो वही माँ को पूछ रही थी कि कौन सा पेड़ का ज्यादा खट्टा है, उसी का फल खाऊंगी मैं। दोस्तों आज हम दो था आम लेके, इसको लेके आज छिल के खाएंगे। इसको हम ले जाएंगे अभी। तो ये आज छिल के हम खाएंगे और बहुत मजा आएगा ना। मजा भी आएगा और सजा भी मिलेगा। कैसा सजा? मिर्ची वगैरह मिलाएंगे ना, मिर्ची और नमक और क्या क्या मिलाएंगे। पका नहीं है ना, हम तो कच्चा ही है। तो थोड़ा खट्टा लगेगा शायद, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ खट्टा ही है। मैं माँ को पूछी ना कि कौन सी पेड़ का ज्यादा खट्टा है। खट्टा खाने को मन कर रहा है। हाँ खट्टा वाला हमें चाहिए। आराम से, नहीं तो लग जाएगा सर। वो छिलने वाला थोड़ा वाला आती हूँ, कहाँ पर था? इसमें छिलेंगे पहले, थोड़ा धो लेंगे पानी में अच्छे से आम को। हमारे पास ये दो चीजें हैं, देखते हैं कौन सी। ये हमारा गांव का है, ये बाजार से हम खरीद के लाए थे। देखते हैं कौन सी में अच्छे से होता है। समुख, समुख से छिलने से अच्छा छिलता है शायद। हाँ ऐसे छिलते हैं। पहले के जमाने में तो नहीं मिलती थी ये वाला जो बाजार में, तो नहीं बाजार में तो मिलती थी लेकिन हमारे गांव में नहीं मिलती थी। तो इसलिए इसमें ही बहुत दिन से हमारे माँ लोगों ने ये संभाल के रखे हैं। तो इसमें बढ़िया से हो रही है। देखिए कैसे मैं छिल रही हूँ। थोड़ा लग जाएगा हाथ में लग के थोड़ा। नहीं ये जो मतलब बड़ा है ना साइज में, तो मेरे हाथ में नहीं आ रही है। आम छिलते छिलते हाथ भी छिल जाएगा नहीं तो। हाँ वो तो कोई बड़ी बात नहीं हो भी सकता है। बोलते हैं ना सावधानी हटी तो क्या। मुर्गा लोग को सब दाना थोड़ा दे देते। देखिए कैसे भाग के आ गया। छिलका सारा निकल लिया है, ये छिलका सब नीचे रख देते हैं। आम का भी छिलेंगे। ये एक आम से ही बहुत सारा हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया सारा, कुछ भी नहीं बचा है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है।
बहुत ही मजा आएगा खाने में आज तो। मुंह का पानी उस पर मत गिराना। निकल तो रही है, गिरा दूंगी यहाँ पर। वैसे मरीच मटा भी मैं एक खाली हो गया, रुको मैं चेक कर देखती हूँ कैसे। बहुत खट्टा है, मेरे को यहाँ पर नमक मिर्च मिलाएंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर नमक डालेंगे और एक मिर्च यहाँ पर। मिर्ची का क्या खुशबू, मिर्ची और नमक का। थोड़ा सा सरसों का सॉस डाल देंगे यहाँ पर। फिर ये आ गया हमारा आम। अब आएगा मज़ा, अच्छे से मिला लेंगे। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये चटनी बनाएंगे, मज़ा आने वाला है अब तो। देख के मेरा भी पानी आ गया मुंह पे। मैं सिर्फ देख के अपना मन भर रहा हूँ। बहुत ही मजा आ रही है, पता नहीं क्या होगा अगर। फिलहाल तो बहुत मजा आ रहा है। चलिए फिर अब चटनी बनाते हैं। ग्राइंडर में करोगे क्या? हाँ, ग्राइंडर में। अच्छा, सिलबट्टे में बनाते लेकिन वहाँ बहुत तेज से धूप दे रही है ना, इसलिए ग्राइंडर में हम बनाएंगे, नहीं तो सिलबट्टे में बनाते तो बहुत अच्छा। उसका थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है। ये हमारा छिला हुआ आम, फिर डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, धनिया, फिर ये हो गया हमारा हरा मिर्ची, लहसुन, अदरक। माँ को थोड़ा मीठा वाला पसंद है इसीलिए थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे, चीनी और नमक डाल देंगे। यहाँ पे निकल लेते हैं। कलर भी बहुत बढ़िया दिख रही है और खुशबू भी। अरे भी इतना सारा खा लिया फिर भी मुझे खाने का मन कर रही है। देखते हैं टेस्ट करके कैसा बनी है चटनी। पूरा सही बनी है, नमक मिर्ची ना ज्यादा ना कम। ठीक है, फिर आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर और एक वीडियो पे।